हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो भारत का मैप है। मैप के बारे में आपको बता दूं कि एक्चुअली मानचित्र जो होते हैं वो मुख्यतः राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और एक कैडेस्ट्रल मानचित्र या भूकर मानचित्र कहलाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पर है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मानचित्र यानी राजनीतिक मानचित्र, जिसमें क्या होती है कि ऐसे देश के राज्य की सीमाएं राजनीतिक सीमाओं के द्वारा बंधी होती हैं, उन्हें राजनीतिक मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र या फिजिकल मैप वो क्या होती हैं कि उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जिसमें आप प्राकृतिक चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक प्रश्न है कि जो आपके खेत, घर, रास्तों के, जो गांव घरों के नक्शे होते हैं, जो मैप होते हैं, जो लेखपाल पटवारी के पास होते हैं, वह किस प्रकार का मानचित्र होता है। यदि आपको पता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यदि नहीं पता होगा तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एंड तक बने रहने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको अंत में कुछ आज बताए हुए प्रश्नों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दें, जिसके लिए मैं प्रश्न आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप लोग देखें कि जो बंगाल का दक्षिणी भाग है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपी भारत कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत जिसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में अरब सागर और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, तीन सागरों से घिरा हुआ यह प्रायद्वीप, प्रायद्वीप आपको पता ही है कि ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। द्वीप का होता है कि द्वीप ऐसा भूखंड जो जल से चारों तरफ से घिरा हो वह क्या कहलाता है, द्वीप। और महाद्वीप क्या कहलाता है, ऐसा हमारा बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो होता है महाद्वीप। और ऐसा सागर या ऐसा जल जो तीन ओर स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी। इधर आप देख रहे हैं क्या, बंगाल की खाड़ी जो तीन ओर से घिरा है, उत्तर में आपका बांग्लादेश है, पश्चिम में आपका इंडिया है और पूरब में आपका म्यांमार है। तो ये क्या तीन ओर से घिरा हुआ है, तो ये क्या आपका, ये बंगाल की खाड़ी है। और इधर है आपका अरब सागर, अरब सागर आप देख रहे हैं और यहाँ पर है गोवा, गोवा की राजधानी आप लोग जानते ही हैं पणजी। गोवा एक बार आपको पता होगा, इतिहास में पढ़े होंगे कि यह कभी पुर्तगालियों के अधीन थे। कब था, सन 1510 में, जब वास्को डिगामा, पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था, उसके 12 साल बाद 1510 ईस्वी में यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन प्रारंभ हो गया था, जो कि 18 दिसंबर 1961 तक था। और उसी दिन भारतीय सेनाओं द्वारा एक ऑपरेशन विजय चलाया गया और जस्ट 36 घंटे बाद 19 दिसंबर 1961 को इस राज्य को भारत में मिला लिया गया था। तो आप ये देख रहे हैं कि जो गोवा है और यहाँ पर है आपका अरब सागर, अरब सागर में दो मुख्य नदियाँ जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, आपको पता है वह नदियाँ कौन सी हैं। एक है नर्मदा जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से होती हुई वह पश्चिम की ओर जाती हैं और खम्भात की खाड़ी में गिर जाती हैं। दूसरा है ताप्ती जो कि मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर आपका अरब सागर में वो गिर जाती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी या गार्ज का निर्माण करती हैं, तो है हमारी नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा का निर्माण कौन करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां का करती हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो लक्षद्वीप है अरब सागर में, लक्षद्वीप जो कि मूंगों की चट्टान, आप लोग जानते हो मूंगों की चट्टान या प्रवाल द्वीप से यह बना हुआ द्वीप है
और यहीं पर आपका, यहाँ पर आपका है लक्षद्वीप के नीचे आपका मालदीप, और आप लोग सुने होंगे 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपको पता होगा कि मिनिकाय और भारत के जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसी का एक हिस्सा है मिनिकाय, और उसके नीचे यहाँ पर है मालदीव। मालदीव और मिनिकाय के बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच है वो है आपका 9 डिग्री चैनल। और लघु अंडमान या छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। अब आपको पता है कि एक होता है डंकन पास, डंकन पास जो कि लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है आपका डंकन पास यहाँ पर, और कोकोस चैनल जानते होंगे, कोकोस चैनल जो कि कोकोस द्वीप म्यांमार, यहाँ पर आपका म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य पर क्या है आपका कोकोस चैनल। और नेक्स्ट है आपका पाक स्टेट या पाक की खाड़ी, यहाँ है आपकी पाक की खाड़ी और यहाँ है आपकी मन्नार की खाड़ी। आप लोग एक चीज सुने होंगे पाक जल संधि, पाक जल संधि जो कि आपका पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में पड़ता है, श्रीलंका का एक द्वीप है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों जल संधियों को जहाँ पर दो सागरों का जल मिलता है जहाँ संधि होती है उसे कहते हैं जल संधि। जैसे यहाँ पर आपकी पाक जल संधि, वैसे ही अन्य जल संधियों के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा आप लोगों को, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें जिसके लिए आपको बहुत ही जल्दी सूचना मिल जाएगी। ओके, और एक चीज और इसमें आपको बता दें कि जो आपका ये आप एक केंद्र शासित प्रदेश सुने होंगे पुडुचेरी, पुडुचेरी जो कि 4 जिलों में डिवाइड है, 4 जिलों में विभाजित है, जैसे एक है केरला में जिसको बोलते हैं माहे, 2 जिले हैं आपके तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, ये पुडुचेरी और ये है कराईकल, और चौथा है आंध्र प्रदेश में जिसको बोलते हैं यनम। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद करें माहे है केरल में, माहे केरल में, 2 तमिलनाडु में है, कौन कौन सा है, एक तो खुद पुडुचेरी है और कराईकल कहाँ है तमिलनाडु में, और तीसरा है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आपको अंडमान निकोबार के बारे में कुछ विशेष बता दें कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि लगभग 572 द्वीपों का समूह है जिसमें से 550 द्वीप अंडमान में और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि बैरन द्वीप आप लोग जानते होंगे कि बंगाल के खाड़ी के अंडमान सागर में ही है, और दक्षिण एशिया का और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है दक्षिण एशिया का और भारत का जिसका नाम है नारकोंडम, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप के बारे में मैं आपको बता रहा था कि लक्षद्वीप 1973 से पहले 3 नामों से जाना जाता था, जो कि लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। तो ऐसे ही अभी बहुत सारे चीजें इसमें आपको बताना है, तो आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, तो आप बताएंगे कि जब गोवा भारत में कब मिला लिया गया इसको, और जो भारत में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आए थे तो वह भारत की खोज किए थे, नहीं वह भारत आने के लिए पुर्तगाल से समुद्री रास्तों की खोज की थी, जबकि उससे पहले भारत पहले से ही था और भारत की खोज
नहीं बल्कि भारत आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। और पुर्तगालियों पर 1510 ईस्वी में शासन प्रारंभ हो गया था। और आपके पास प्रश्न है कि भारत का जो एक गोवा राज्य है उसको भारत में कब शामिल कर लिया गया? वीडियो को पूरा देखे होंगे तो बिल्कुल बता पाएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, तब तक अगला वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।